Hey guys, good morning, welcome and welcome back to my channel, Shishupa Porna's Vlog. आप सब लोग कैसे हो? आप सब लोग अच्छे से रहो यार. मेरी तबीयत थोड़ा हो गया खराब, मतलब काफी दिन से चल रहा है. देखिए, मैंने गले में भी एक बांध के रखा है, शॉल भी ओढ़ के रखा है. पता नहीं, बीच बीच में ठीक हो रहा है, फिर बीमार हो रहा है, ठीक हो रहा है, फिर बीमार हो रहा है. तो अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट. लगभग 10 बज चुका है, हस्बैंड चले गए ड्यूटी. कल एक दवाई ली मैंने, इतना सोई 8:18 पे उठे हैं. और 8:18 मतलब 18 देख के मुझे लगा कि 18:08 है, मतलब 6:08 बजा है. तो 2 मिनट मतलब सडन मुझे लगा कि अरे शाम हो गया. फिर मैं मतलब सोची कि नहीं, अरे ये तो 8:18 है, मतलब 8 बजे है सुबह के. तो ये मेरे साथ सुबह जो हो गया. और अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट यही पे है, मतलब करेंगे, उतना मन भी नहीं है लेकिन करना ही पड़ेगा. और पापा और मम्मी का जो है आज ब्लड टेस्ट हुआ है शुगर का, तो वो लोग खाएंगे आज चावल. तो वो लोग अभी नहीं खाएंगे, तो साथ में सास भी खाएगी चावल. मतलब क्योंकि पीपी और क्या फास्टिंग का कुछ फंडा है, तो 12:30 बजे आएंगे तो 10:30 बजे तक उनको चावल खाना है. तो चावल पक रहा है, चावल खाएंगे और मैं करूंगी ब्रेकफास्ट. बेटी का हो गया, हस्बैंड ड्यूटी चले गए, पापा गए हैं मार्केट से आएंगे, क्योंकि वो 10:30 बजे से पहले नहीं खा सकते हैं. उनका टाइमिंग ही है 10:30 बजे, तो उनको 10:30 बजे ही खाना है. क्योंकि जो लेने आएंगे ब्लड दोबारा से, सुबह एक बार लेके गए हैं, वो 12:30 बजे का टाइम दिया हुआ है. तो अभी हम खाएंगे. अब पता नहीं मेरा गला जो है कब ठीक होगा. आवाज़ नॉर्मल आवाज़ मिलेगा मुझे, वेट करना पड़ेगा. अभी लग रहा है काफ़ी टाइम तक. कोको को भी खिला दिया हमने, तो खा लेते हैं. अभी प्लेट मतलब यहीं पे रखा हुआ है, हॉट केस सब्जी सारे कुछ, लेकिन अभी लेना है प्लेट में, फिर खाएंगे हम. तो बने रहिए मेरे साथ, देखते रहे मेरे चैनल को. सब अच्छे से रहो यार. मतलब एक तो यार कोलकाता में तो एक तो मतलब कल जो है मतलब ठंड कम हो गया था, लेकिन बारिश इतना ज़्यादा हुआ, इतना तेज़ हुआ, और वो बर्फ के जो गोले होते हैं ना वो भी गिरने लगे. तो बहुत बहुत तेज़ हुआ कल बारिश, हर जगह में पानी पानी फैल गया. तो क्या करें, कुछ कर नहीं सकते हैं, इसी के साथ चलना पड़ेगा. तो ये मौसम जो होता है ना, सब कोई बोल रहा है अचानक से गर्मी पड़ गई, फिर बारिश, फिर ठंड पड़ेगा, इसमें लोग और ज़्यादा बीमार हो गए. और ओमिक्रॉन का तो एक है ही, इसको तो कुछ कर नहीं सकते हम. तो बेस्ट है कि सेफली चले, सारे क्राइटेरिया मेंटेन करके चले, यही कर सकते हैं, और कुछ तो कर नहीं सकते हैं. इसी के साथ ही चलना होगा, कुछ नहीं कर सकते. तो अच्छे से रहो, खुश रहो, बिंदास रहो. ओमिक्रॉन के साथ ही चलना है, तो उसके साथ ही हम चलेंगे. डोंट वरी, घबराना नहीं, हिम्मत से काम लो. चलिए अभी के लिए इतना ही, हम आएंगे बाद में. दिखा के आई डॉक्टर. अभी मैं लंच करूँगी, 3 बज गया. तो अभी क्या बताया डॉक्टर ने, मैं बाद में आप लोगों को बोलूँगी. अभी खाना खा लेती हूँ, खाना खाने का टाइम ओवर हो गया है, खा लेते हैं फटाफट से. और मैं खाऊँगी पता है क्या है, फ्राई राइस, वो भी मीठा मीठा, मतलब बहुत सारा ढेर सारा चीनी डाल के मीठा मीठा फ्राई राइस. बाकी खाना आज मम्मी ने ही बनाई है, वो लोग मछली बनाए थे शायद, मछली और साग, पता नहीं, एक सब्जी, हाँ सब्जी भी था बनाए सब. मैंने भी दो सुबह एक सब्जी बनाई थी,
वो भी बचा हुआ है लेकिन मैं कुछ नहीं खाऊंगी। मम्मा को बोला कि मुझे थोड़ा सा फ्राइड राइस करके दो, तो मम्मा करके रखी थी, अभी जो है गर्म हो गया, फिर हम खाएंगे। मेरा फ्राइड राइस ज़्यादा गर्म हो गया तो यही खाएंगे आज हम, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, मुझे और कुछ अच्छा नहीं लग रहा है खाने में, तो यही खाएंगे हम। तो खा लेते हैं हम फ्राइड राइस बिना कुछ के, क्योंकि इसमें मैंने मम्मी को बोला कि आप चीनी डालिए इसमें, क्योंकि आजकल पता नहीं क्यों मुझे बहुत मीठा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो मैं खा लेती हूँ खाना रेडी। तो अब मैं आ गई हूँ छत पे कपड़ा लेने, थोड़ा बहुत ही कपड़ा है क्योंकि मशीन का जो कपड़ा है वो मैंने बहुत लेट धोई, तो वो नीचे टांग, मतलब जब मैं नहा के उठी ना उसके बाद ही धोई, तो सास को बोली कि वो नीचे ही आप फैला दो, ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं। तो ये सास की मम्मी की और पापा की थोड़ा बहुत कपड़े हैं, तो इसको मैं लेके चली जाऊंगी। अभी खाना खा के जस्ट उठी हूँ, 3:30 बज चुका है, तो मौसम देखिए बिल्कुल एकदम बारिश हुआ ना, ये रूफ भी देखिए कैसे भीगा भीगा सा है। और डॉक्टर ने जो है दवाई और दो दिए हैं मुझे, बोले है कि बात कम करने के लिए, तो आज कोको और बेटी देखिए कहाँ चल गई। तो डॉक्टर ने बात करने के लिए बहुत, मतलब बोले कि बहुत कम बात कीजिए, जितना हो सके कम कीजिए, तो मेरी बेटी और कोको के लिए तो मुझे थोड़ा बहुत बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ जो है ना दिन ब दिन मतलब बदतर से बदतर होता जा रहा है। तबीयत ऐसे जी बहुत ख़राब है ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत बीमार हूँ, बहुत ज़्यादा बीमार हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन ख़राब है। और ये आवाज़ जो है ना दिन ब दिन बैठे जा रहा है और अजीब सा हो रहा है, तो दिखा दिए हमने डॉक्टर, क्योंकि फिर ज़्यादा होने से परेशानी और ज़्यादा हो जाएगा। कैसे बर्ड्स जा रहा है देखिए, कहाँ है कुको, थक गए, ओहो तो जाओ अंदर नीचे चले जाओ। तो अभी कपड़ा लेके मैं भी चली जाऊंगी, तो शायद मुझे मैं 1-2 दिन 2-3 दिन ब्लॉगिंग बंद रखूंगी, अगर मूड किया तो करूंगी थोड़ा बहुत, नहीं तो मैं बंद ही रखूंगी, क्योंकि जब डॉक्टर बोल देते हैं ना कि बंद कर दो बोलना जितना कम हो सके, तो वैसे भी ब्लॉग में ज़्यादा तो बोलते लेकिन नहीं है, मम्मी पापा भी बोल रहे हैं कि तुम थोड़ा 2-3 दिन कम ही बोलो, तो हो सकता है, ऐसे कंफर्म नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी, लेकिन हो सकता है कि बंद कर दूँ 2-3 दिन के लिए, तो प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़ के मत जाइए, मेरी मैं बीमार हूँ इसीलिए बंद करूँगी ऐसे कुछ नहीं है, मैं चाहती हूँ आप लोगों के सामने आऊँ, आप लोगों के साथ बात करूँ, उससे मुझे खुशी मिलती है और अच्छा भी लगता है, लेकिन जब डॉक्टर ने मना किया तो कुछ कर नहीं सकते हैं हम, और होता ही है ना घर में गार्जियन रहने से वो लोग फिर गुस्सा करते हैं कि तुम क्यों बोले जा रहे हो बिना मतलब के, लेकिन उन वो लोग ये नहीं समझेंगे कि मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बातें करना, तो कोई नहीं, उनका भी सुनना चाहिए, अपने तबीयत की भी ख्याल रखनी चाहिए, और आप लोग तो हो ही मेरे पास है ना, चले तो नहीं जाओगे ना मुझे छोड़ के, मत जाओ, रह जाओ मेरे पास, मेरे फैमिली में, मेरे फैमिली मेम्बर बन के मत जाइएगा। अगर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाऊँगी तो सॉरी उसके लिए, कान पकड़ के बोल रही हूँ, और कर पाऊँगी तो करूँगी ही, तो अभी के लिए इतना ही है, पता नहीं इसके आगे मैं कुछ कर पाऊँगी कि नहीं, अगर नहीं कर पाई तो यही एंड समझ लीजिएगा आज की ब्लॉगिंग का, और अगर कर पाऊँगी तो थोड़ा बहुत ऐसे ही मतलब दिखा दूँगी अगर कर पाऊँगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरी तबीयत का ध्यान रखते हुए मुझसे गुस्सा मत होइएगा, मेरे साथ रहिएगा, मुझे छोड़ के मत जाइएगा, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलेंगे, कल भी मिल सकते हैं, आज भी फिर से मिल सकते हैं, परसों भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर, मिलेंगे मिलेंगे, हाँ मिलेंगे ज़रूर, हम मिलेंगे ज़रूर, तो बाय बाय।